मतलब कैसे देखा मेरा नाम मेरा व्लॉग मिले जब ये राइडिंग कर रहा है जब आप यहां से होते हो बहुत अच्छा 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 मैं तो हेड जब की देखी है चलो और देखो चलो कोई दे दो कभी सवारी आप दोनों वीडियो पे आएगा ठीक है। तो फाइनली परवेज भाई का मोबाइल चार्ज हो चुका है, मुबारकबाद देना परवेज भाई को। आप लोग भी देखो कितना दुआ करके, बहुत सारे दुआ करके परवेज भाई का मोबाइल का चार्ज स्टार्ट हो गया है। लेकिन 1% कहाँ दिखा रहा है ये? हो जाएगा अभी 0% दिखा रहा है ना ये। कोई बात नहीं, एक काम तो हो गया, अब दूसरे काम के दुआ करना आप लोग। भाई का मुझे लगता है पार्ट 2 आना ही चाहिए। परवेज ये क्यों नहीं चल रहा है फिर? तो गाइस फाइनली मैं पूछा कुछ अपने दोस्तों से, यहाँ मिलने आया था यहाँ हैदरपुरा साइड, तो बहुत टाइम हुआ था वैसे नहीं मिलके। उजेर आया था दिल्ली से, तो उनसे मिलने आया था, और जाकिर भी बहुत टाइम के बाद हम मिलने, मैं और शकील अभी आए थे। तो गाइस ये रहे जाकिर भाई, इसके पास भी RC 200 है, और इसके पास ड्यूक कौन सी है तेरे पास? हमारे पास तो बहुत सारी है, इसके पास बहुत सारी बाइक है, वैसे इसके पास 2 बाइक है और बेचता भी है। ये रही इसकी ड्यूक गाइस, ये रही इसकी ड्यूक। और कैसा लगा सफर? बहुत मजा आया, हमें तो हर जगह मजा। एक कॉल एक तक नहीं करता है, बड़ा बेशरम है। चलो कोई नहीं, खैर देखते हैं, अब राइड एक बनी तो साथ में ही जाएंगे। देख कितना चल रहा है, तो बस देखना यार वहां पर, देखना यार जो खाने की फिक्र नहीं है। देखो यस कम ऑन बॉयज, बॉयज प्लेट वेल ना, तो परवेज खुश होते हुए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था, घर के भी काम चल रहे थे, मतलब हर जगह से फंसा हुआ था। तो सोचा एक व्लॉग बना दूँ, कल से फिर बर्फबारी है तो निकलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, अगर मिलेगा तो बर्फ में भी एक व्लॉग बनाएंगे। आज पहले मैं व्लॉग एक बनाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर। शॉप पे मुझे जाना था, वो शॉप मेरे से खो गई, तो अभी मैं लोकेशन में एक्यूरेट लोकेशन में पूछा हूँ जहाँ पर मुझे पूछना था, बट शायद मुझे शॉप खो गई, तो पहले देखते हैं शॉप कहाँ पे, शायद खो ही गई, मुझे याद नहीं है लोकेशन कहाँ पे, बट फिर भी देखते हैं, ट्राई तो वहीं कर रहा हूँ। वैसे आज ठंड इतनी नहीं है, ठंड अच्छी है। यही लोकेशन एंड यार ये अपनी बाइक GoPro 12। ये रही इसकी बैटरी एंड ये रहा इसका माउंट पे जो लगता है। करते हैं सेटिंग, किस कंट्री में हो? इंडिया। अरे गलत रखा। दिल्ली। इसको भी सेटिंग करना पड़ता है आईफोन की तरह बराबर। आज क्या डेट है? 29 मंथ कौन सा है? क्या पता वो उधर कस्ट टूर रास्ता में तेरे ऐसे सब। मैंने सोचा ऐसे ही ऑन हो जाता है। कस्ट टूर तो लेस 28 आज 29 है कि 28 है? 29 29 है ठीक है ना। हां क्या हुआ? 4 क्या पता मिशन बॉस ना 4 एपिसोड सब कुछ यहीं पे सेट, अब टाइमिंग भी यहीं पे दिखाएगा सारा कुछ। कौन ये वाला क्वालिटी? तो अभी GoPro पे मेमोरी कार्ड भी लगेगा 64 GB। भाई ने इसे गिफ्ट कर दिया, इसका पैसे नहीं लिया भाई, बड़े दूर से है इसलिए पैसे नहीं। चलो थैंक यू। वैसे GoPro भी बहुत अच्छा रेट में दिया। क्यों फाइनली गाइस हमने GoPro ले लिया फुल कंप्लीट, ये देख सकते हो, ये रहा GoPro 12। पहले 10 लेने के मूड में था, फिर भाई ने थोड़ा सजेस्ट किया कि उस पर ये है वो है, तो बहुत झंझट था उस पर, तो सोचा 12 ही ले लूँ। ये देखो तो गाइस फाइनली मैं दुकान से आके, वो लोग गए कार पे,
जो मेरे दोस्त थे और मैंने ले लिया GoPro। आज के बाद व्लॉगिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि भाई अपने पास ये लगेगा यहाँ पे, तो इससे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही मज़ा आएगा आज के बाद व्लॉगिंग करने पे। होप करते हैं आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद ही आए, तो अब मोटो व्लॉगिंग करने में कुछ अलग ही स्वाद आएगा। अब सबसे पहले मैं अपने बाइक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई, उसने मेरे को दे दिया, ना नहीं बोला, पिछले टाइम बोला था कुछ दिन रुक फिर उसके बाद ले लूँगा, तो आज मैंने उनको टेक्स्ट किया था फिर उनने मुझे पैसे डाल दिए। चलो भाई अपने भाई के लिए फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो आप निकलते सीधे घर की ओर, वरना इस तरह व्लॉगिंग करने में पता क्या होता है, दिक्कत होती है रुक रुक के करना और रास्ते में फ़ोन पकड़ के करना, उसमें मज़ा नहीं आता और साउंड भी क्लियर नहीं आती। तो आज के बाद आप सबको साउंड भी अच्छी आएगी और ब्लॉग भी अच्छा आएगा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो बाय बाय, मिलते हैं घर पे, कुछ फंक्शंस दिखाता हूँ GoPro के घर पे ही आप सबको, बाय बाय। और ये घर है एजाज भाई का, और ये देख सकते हो। गाइस अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा गैस चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, लगते परवेश भाई कुछ परवेश भाई बस परवेश भाई क्या बोलना चाहते हो आप, जब से आप आ गए यहाँ पर चल ही नहीं रहे। यहाँ बचपन से हमें एक चीज आदत है खाना पीना। अच्छा हाँ, और जब तक मैंने आप कसम खा, जब आप मिली मैंने उस टाइम ये नहीं बोला खाना नहीं मिलेगा पानी। सही बोला, सही बोला बोला, हाँ बोला तो सही बोला, ये मिल रहा है। तो अभी हम और एक बार ट्राई करेंगे, जलेगा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं, तो ऐसे चला रहा है ऊपर इतना ठंडे ठंडे ठंडे। चलो जा कर स्टार्ट कर सब, बिस्मिल्लाह आ ही नहीं रहे वहां, समय बेवकूफ तो नहीं बनाया फिर। और यहाँ पर परवेश भाई का मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है बेचारे का, ऊपर से एजाज भाई ने भी दिमाग खाया। एजाज भाई परवेश भाई ने मुझे बाहर ही बोला था हमें खाना नहीं मिलेगा आज, वो भी बोला तू बोला कि गुनाहगार हूँ मैं, लेकिन इतना भी नहीं मतलब। प्यार से बोलो शाहनवाज भाई, सूद है शाहनवाज भाई प्लीज ये दी, हाँ इससे तमीज करना। तो यहाँ भी नहीं हो रहा हमारे का, सही कौन मुझे क्या पता, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। अरे रे बिली पता नहीं क्या हो गया यार इसको, इसका टाइटल होना चाहिए एजाज मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और यहाँ पर हमारा जो कुक मास्टर शेफ एजाज, जिसने तीन बार वो किताब जीत चुका है, क्या किताब जीता है, चल ही नहीं रहा है, चल गया ना यार। तो पार्ट टू हम नहीं बना सकते क्योंकि पार्ट वन में दोनों काम हो गया, अब पार्ट टू में क्या है पूरा जलेगा कि नहीं जलेगा वो दिखाएंगे। ओ जल गया जल गया जल गया, क्या अल्लाह कहीं हम ना जल जाए। वैसे तो मेरा पूरा गैस खत्म हो जाएगा, जला है वो कुछ क्या पर मैं सफाई, लोग बोलते हैं ना सफाई सफाई, ये जी यार कहां से आते हैं आप जैसे लोग, अब ये खाते हो आज दिन शुक्र कर यही भी खिलाया, मतलब सच में शुक्र कर के हम ये ऐसा नहीं खाते, क्यों हो गया आज आपको, कभी बाहर का दुनिया भी देखो ये फेंकते हैं बाहर लोग। ओ यार ये कब का है, ये क्या है खाना कब पके कर रहा है ना, चिकन कम से कम रात के 1:30 बजे तैयार होगा, उसके बाद खाना लगेगा, खाना कम से कम सुबह 7 बजे तक हो जाएगा इंशाल्लाह। गाइस रात को हमारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया भाई, गैस चूल्हा नहीं जल रहा था, ऊपर से परवेज का फोन चार्ज नहीं हो रहा था, मतलब फिर हमने पता है खाना कब खाया, हमने 2-3 बजे खाना खाया लास्ट में, मैंने इसको पूरा खोला फिर उसका पाइप वाइप सब कुछ, मतलब बहुत ही झंझट हो गया, लास्ट में एंड द एंड हमें सब्जी जुगाड़ में बनी भाई, पूरी फुल भी नहीं बनी। तो ये लोग चले गए घर, तो इस व्लॉग को भी करते हैं ये पैंड, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ भी अच्छा लगा होगा
कमेंट बॉक्स पे जरूर बता देना। बाय बाय, टेक केयर।